सर इतिहास रचेंगे आपके आशीर्वाद से, आपके ब्लेसिंग्स के साथ। और आपकी दो शब्द ही बहुत होते हैं सर कहने के लिए, आप तो फिर भी बहुत सारी बात बोल देते हैं, कभी कभी दो शब्द बहुत होते हैं कहने के लिए। मुझे अच्छे से याद है, हम लोग ताज में थे, आपने कंधे पे हाथ रख के मुझे बोला था कि मैं हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस। वे आपने अपने नेटवर्क को बिल्ड किया, यंगस्टर्स के ऊपर फोकस किया, जो एक्सपीरियंस्ड बिजनेस बिल्डर्स थे उनके ऊपर फोकस किया, उनको सक्सेस क्रिएट किया। दैट इज समथिंग जिसके ऊपर आपने और डबल जितना करोगे आपका टर्नओवर डबल से ट्रिपल होगा। बट कोविड-19 के अंदर आपको एक चीज डेफिनेटली आपने भी सीख ली, हमने भी सीख ली, जो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि हम लोगों को कैसे मीटिंग में बुलाएं और उनके पास कैसे पहुंचेंगे, राइट? जहां पे वन टू वन मीटिंग करना मुश्किल होता था, लोगों की अटेंशन पाना मुश्किल होता था, बट विद द कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमने अभी अडॉप्ट किए हैं, वेदर इट इज ट्रेनिंग्स जिसके ऊपर हम लाखों लाखों लोगों के पास पहुंच जाते हैं सिर्फ एक दिन के अंदर, अपनी एंटायर टीम के ऊपर आपने सिर्फ एक काम करना। देखिए, मैं हमेशा लीडरशिप के अंदर एक काम कहता हूं कि जब भी कोई टीम नहीं आती है, आपको सबसे पहले उस टीम को एजुकेट करना पड़ता है, राइट? उसके बाद उसको कोच करना पड़ता है, नंबर थ्री उसको गाइड करना पड़ता है, नंबर फोर आपको करना पड़ता है मेंटर। अगर आपकी एंटायर टीम हमेशा सिर्फ सोनू शर्मा जी को एंकर बना के चलेगी, तो सोनू शर्मा जी की ग्रोथ तो रहेगी, शायद उन टीम के लीडर्स की ग्रोथ खत्म हो जाएगी। जो आपके टीम के लीडर्स हैं, जो उन्होंने आपसे सीखा है, अब उनको जितना फास्ट वो चीज को डुप्लीकेट करेंगे एंड दे विल सीक योर गाइडेंस एंड मेंटरिंग, उसी के करके कंटिन्यूस आगे ग्रो करते रहेंगे और फिनोमिनल ग्रोथ आएगी। आज के 4 महीने के बाद, आज के 6 महीने के बाद, वो 19 साल का कौन सा नया लड़का होगा जिसका चेक 8 लाख रुपया होगा, उसका नाम आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, और वो आपकी टीम ही लेके आएगी जस्ट बाय डुप्लीकेशन। देखिए, सिस्टम सेट है, एजुकेशन इज देयर, मोटिवेशन इज देयर, प्रोडक्ट डिलीवरी इज देयर, सिक्योरिटी फैक्टर, एवरीथिंग इज देयर। व्हाट पीपल हैव गॉट टू डू इज जस्ट डुप्लीकेट, दैट्स इट। बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्लूज ट्रू। तो जो अपन कर रहे हैं आज सुबह से रात तक, नीचे का जो लीडरशिप है, जो क्राउन डायरेक्टर्स हैं, जो डीसीडीज हैं, वो अगर उसको 100% फॉलो कर लें और एप्लीकेबल कर दें अपनी अपनी टीम्स के अंदर, कि ये कैसे किया पिछले 1 साल, इन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया, कौन कौन से टाइम पे क्या क्या करते हैं, कब ट्रेनिंग करते हैं, कब ये करते हैं, कभी वो करते हैं, उनके पास पूरा का पूरा नक्शा तो है ही सब लोगों के पास, तो अगर वो डुप्लीकेट कर सकें तो ये बिजनेस 3 गुना 4 गुना हो सकता है। Absolutely, देखिए, आज के दिन पे क्या मेरा रोल है कि मैं, जैसे वेस्टी जब शुरू हुई थी, मैं शहर शहर ट्रैवल करता था, दीपक जी ट्रैवल करते थे, हम मार्केटिंग प्लान करते थे। मतलब सर, आपने बहुत मेहनत, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ सर, काट रहा हूँ सर, माफ करिए, आपने बहुत मेहनत करी है सर, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, और मेरे मन में इसलिए भी रिगार्ड है कि आपने ना बिल्कुल जमीन पे ईंट लगाई है, एक एक नेटवर्क मार्केटिंग की जमीन पे खड़े होकर ईंट लगाई है, चिनाई करी है, मिट्टी ढोई है, सीमेंट उठाए हैं, तब जाके आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं, और वेस्टेज में हम सब लोग फल फूल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया, इसका सैल्यूट है सर आपको, मैं सीरियसली बता रहा हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच। पर सोनू जी, मैं एक बात कहूंगा कि मैं मेहनत कर रहा था तो मुझे कभी ये लगा ही नहीं, एंजॉय कर रहे थे अपन, उस हर एक क्षण को मैं भरपूर जिया हूं, राइट? उसका मजा, उसका एक इलाही संतोष, सेटिस्फैक्शन इतनी अलग थी कि कभी वो मेहनत मेहनत ही नहीं लगी, राइट? मैं जो पॉइंट कह रहा था कि आज के दिन पे हम क्या करते हैं एज अ लीडर, अब CNT तो मैं करता नहीं हूं, ना मैं VIP प्रोग्राम करता हूं, ठीक? एज अ लीडर व्हाट डू? आई गिव सर्विस। आपके, आपका और आपकी मेजॉरिटी लीडरशिप का काम यही है। अरे, मार्केटिंग प्लान तो आपके जो आज के दिन पे 11% वाले हैं वो भी समझा देंगे, बढ़िया,
हमसे बेटर बता देंगे, बिल्कुल उनके आइडियाज आपसे बेटर होंगे, उनके आइडियाज मेरे से बेटर होंगे, उनका एक्सप्लेन करने का तरीका बेटर होगा। बट एज अ बिगर लीडरशिप हमारा बेसिक काम यही रहता है कि हाउ डू वी सर्विस अवर पीपल बेटर। इफ वी कंटिन्यू टू सर्विस सर्विसेज काउंसलिंग का सर्विसेज कि उनको कोई दिक्कत आ रही है उसको रिजॉल्व कैसे करना, दैट्स इट। जहां पे आपकी फौज आपके जर्नल्स को एक बात पता है कि ये व्यक्ति हमारे साथ है, आपको कोई हरा नहीं सकेगा, उस आर्मी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। सर हमारे साथ सबसे अच्छी बात यह गौतम जी, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, और मैं तो अपने लोगों को बोलता हूँ मेरे पास हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया टीम है नेटवर्क जी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा सोनू शर्मा जी, कि आपकी टीम में से एक व्यक्ति नहीं है जो मुझको कभी मैसेज करता हो या मेरे को तंग करता हो। तंग की तो बात छोड़िए, यू नो व्हाई, और वो क्या साइन शो करता है, वो ये साइन शो करता है कि लीडरशिप इज सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर टीम कि वो सर्विस दे रहे हैं तभी लोग जो है टॉप मैनेजमेंट तक अप्रोच नहीं कर रहे, बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड उनको सर्विस मिल रही है। दैट टॉक्स अबाउट ग्रेट लीडरशिप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे पास जो टीम है सर वो बहुत शानदार है, सब सब लड़के लोग, सब बच्चे लोग, कुछ कुछ लोग तो मेरे से भी उम्र के आधे आधे आ गए हैं तो वो सब लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और अपनी जिम्मेदारियां भी समझ रहे हैं और लीड कर रहे हैं अपनी अपनी टीम को, अपने अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अपने अपने इवेंट्स कर रहे हैं, अपने अपने जूम्स मीटिंग कर रहे हैं। और जैसे आप वाली बात है कि हम सिर्फ उनमें जोश है और हमारे में होश है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर देता है। क्योंकि अपने को जो 20 साल 18 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा है वो उनके काम आ रहा है आज, और यही कारण है कि वो ग्रोथ फिनोमिनल हो रहा है और बहुत रॉकेट स्पीड से जा रहा है। बिल्कुल। सो गौतम जी, मैं मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं जानता हूं कि आपके पास भी बहुत टाइम बड़ा प्रीशियस है, और मैं जैसे आपसे बात कर रहा था मैं लास्ट में थोड़ा पर्सनल बात आपसे जरूर करना चाहता हूं, बिजनेस की बातें तो खैर हो गई हैं, मैं जानना चाहता हूं आप कहाँ हैं। मैं इस टाइम पे उस जगह पे हूं जहां पे हमने पहले 24 घंटे साथ बिताए थे मेरा जो फैक्ट्री के पास फार्म है जो मेरे लिए सुकून की जगह है, जहां पे मुझे सोचने का मौका मिलता है, जहां पे टेलीफोन चलता नहीं है पर इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंटरनेट टेलीफोनी के लिए मैंने अपना स्पेशल टावर लगाया हुआ है। जी जी जी। तो मैं पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे हूँ, इस जगह पे बैठे हुए आप ही की याद आ रही थी क्योंकि आप आए थे यहाँ पे 2 घंटे के लिए और पूरी रात रुके, अगले दिन गए थे, अगले दिन हुई थी। सो वो बेहतरीन जगह जहाँ पे हमारे दिल मिले थे। I'm really honored, गौतम जी, I'm really honored कि हमारे वो एक दिन का साथ मेरा माइंड सेट कर गया और मेरे को विजन दिखा गया और मुझे एक अपनी जिंदगी का सबसे कठिन निर्णय लेने पर मजबूर कर गया। बहुत आसान निर्णय नहीं था क्योंकि पैसे ना आ रहे हो तो आदमी कूदा फांदी कर लेता है, पैसे आने के बाद कूदा फांदी करने के लिए किसी का विश्वास चाहिए कि कोई पीछे खड़ा होकर बोले कि तू चिंता मत कर मैं हूँ, बस इतनी ही बात होती है, और आदमी अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो जाता है कि जो होगा देखा जाएगा। यार सर इतिहास रचेंगे आपके आशीर्वाद से, आपके ब्लेसिंग्स के साथ, और आपकी दो शब्द ही बहुत होते हैं सर कहने के लिए, आप तो फिर भी बहुत सारी बात बोल देते हैं, कभी कभी दो शब्द बहुत होते हैं कहने के लिए। मुझे अच्छे से याद है हम लोग ताज में थे, आपने कंधे पे हाथ रखकर मुझे बोला था कि मैं हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस कभी कभी मुझसे लोग पूछते हैं कि यार गौतम बाली जी से तुमने ऐसा उन्होंने क्या तुमको कहा, ऐसा तुमने क्या बोला और क्या कहा, मैंने कहा उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ करके बोला था तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा बस। मैंने बोला डन, उन्होंने बोला डन, मैंने बोला डन, बोला प्लान, मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आया था आप लोगों का थैंक्स कहना चाहूंगा। पहली चीज, आप लोगों ने हमारा चुनाव किया, वेस्टीज का चुनाव किया एज अ कंपनी ताकि आप लोग अपना कैरियर बिल्ड कर सके। ना ही सिर्फ आप लोग हमारी उम्मीदों पे उतरे, कहीं उससे ज्यादा आप उसके ऊपर सक्षम हैं। पर मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि शायद हमें भी उम्मीद है कि एज अ कंपनी हम भी आपकी उम्मीदों के ऊपर पूरे उतरे हैं,
बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक व्यापार, एक बिजनेस होने के अलावा हम एक बहुत बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं, जहां पे आप और हम हमेशा साथ होके और शक्तिशाली होके दुनिया के अंदर बदलाव लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। मतलब आपके जो ये जो पर्सनल टच वाली कहानी है ना, मुझे बिजनेस एंड अबव सबसे अच्छी लगती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिजनेस तो अपनी जगह चलो है, बिजनेस माइंड होना चाहिए, बिजनेस की डिस्कशन भी होनी चाहिए, बिजनेस पे आर्गुमेंट भी होने चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अबव ऑल ये जो ह्यूमैनिटी है ना, ये जो ह्यूमर है, ये आपका कायल बना देता है बहुत सारे लोगों को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। थैंक यू सो मच। आप स्वस्थ रहिए, आपका आप स्वस्थ रहिए, आराम से आइए, और बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम निकालने के लिए गौतम सर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी, सोनू जी एंड एंटायर टीम जो आज इस प्रोग्राम को जिन्होंने देखा। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से बात करके। गॉड ब्लेस यू एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू गौतम सर, थैंक यू सो मच। Here it is from